हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो है 3 4 दिनों के बाद पीहू की दादी आ रही है वापस, और वो आ चुकी हैं और पीहू वही खड़ी है क्योंकि बाबा भी उसके साथ आए हैं। तो देख रही है वो कि गाड़ी से निकल रहा है कौन, बाबा निकल रहे हैं या कौन निकल रहा है, क्योंकि दादी का, छोटी बच्ची है, उतना ध्यान नहीं रहता कि दादी कहाँ गई है क्या है। तो आज माँ आई है शादी से 3 4 दिनों के बाद, और यहाँ वो खड़ी है बाहर। और हमारे शहर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, आपके सिटी का क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो बारिश रांची में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और कंटिन्यूस हो रही है। आप अभी ज़मीन देख के आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि 10 10 मिनट पे रुक रहा है, फिर बारिश हो रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है, ऐसे हालत है। और बहुत जगह तो काफ़ी भयानक गर्मी है। तो यहाँ माँ आ चुकी है अब घर में। दादी बोल दो, दादी बोल दो, दादी बोल दो, तो बोल दो दादी। तो चलिए यहाँ शेयर करते हैं हम आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि हम बिहारी स्टाइल में बनाते हैं। आप लोग के यहाँ कैसे बनता है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ क्विक सा जल्दी से आपको बताते हैं। मैंने यहाँ गोभी फ्राई कर लिया है, आलू को बॉईल करके मैंने पहले से रखा था। तो ये आलू है, मैं इसको छिल के काट लूँगी। और अभी चेहरा थोड़ा सा मेरा ऑयली ऑयली लग रहा है, क्योंकि मैं सो के ही उठी थी और माँ आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ आलू उबाल के रखा हुआ है, और मैं थोड़ा कैमरा सेटिंग में ही फंस जाती हूँ हमेशा की तरह। कैमरा सेटिंग करने में ही मेरा आधा टाइम चला जाता है। यहाँ मैंने सरसों तेल में डाला है 5 फ़ोरन का छोंका, और अब मैं यहाँ पे गोभी फ्राई कर लूँगी। गोभी फ्राई करके मैंने पहले निकाल लिया था, जो कि मैंने आपको क्लिप दिखाया। अब यहाँ मैं आलू डालने वाली हूँ, तो आलू को भी मैं हम लोग एकदम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, सबके घर में बनती है, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई आज कुछ कुकिंग वगैरह वाला ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, आलू फ्राई हो जाता है, देन हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। और आलू हल्का हल्का सा रेड होने लगा है। बॉयल आलू डालने से क्या होता है कि सब्ज़ी आपकी थोड़ी टेस्टी बनती है, और जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉयल आलू यूज़ किया है। और मैं यहाँ पर जब तक आलू फ्राई होता है थोड़ा चाय पी लेती हूँ। एक कप पहले से भी पी चुकी थी मैं, अब माँ के आने के बाद भी दोबारा पी रही हूँ। चाय कम पीनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, पी लेती हूँ मैं। और यहाँ मैंने मसाले में यूज़ किया है कश्मीरी मिर्च, हल्दी, गुलकी पाउडर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और आलू यहाँ देखिए गोल्डन फ्राई एकदम हो चुका है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सब्जी मसाला और एक टमाटर। टमाटर से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है टमाटर से डालने पे। तो यहाँ पे चलिए मसाला को मैंने पेस्ट करके कुछ देर के लिए रख दिया था, ताकि वो थोड़ा सा जो पाउडर है वो पेस्ट के रूप में आ जाए, गाढ़ा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे मसाला फ्राई कर लिया है, धीरे धीरे भूनूंगी इस मसाले को आलू के साथ, फिर गोभी के साथ। और अगर आप इसकी सूखी सब्ज़ी भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे रस्से वाली सब्ज़ी बनानी थी, ग्रेवी वाली। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी वगैरह लेके अच्छे से इसको फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, गोभी को भी डाल के आप फ्राई कर सकते हो। अगर आपको सूखी सब्ज़ी खानी है तो एज़ इट इज़ आप निकाल लो, अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी खानी है तो आप उसमें पानी डाल के आप ग्रेवी कर सकते हो। तो यहाँ मैं पूरी तन्मयता से लगी हुई हूँ सब्ज़ी बनाने में, कि भाई किसी तरह से अच्छा बन जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 3 गेस्ट भी आए हुए हैं। और कलर अभी ही सब्ज़ी का बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मेरे मन में संतुष्टि आ जाती है कि चलो भाई अच्छा बन रहा है। क्योंकि कहीं तारीफ़ मिले या ना मिले, बुराई नहीं मिलनी चाहिए कि सब्ज़ी ख़राब बनी है। और एक तरफ पीहू का जो पानी है जो बॉईल कर रही हूँ मैं, उसे मैं अभी भी बॉईल पानी ही देती हूँ ठंडा करके। और यहाँ आप देखो ये सूखी सब्ज़ी रेडी है हमारी, आप एज़ इट इज़ ऐसा उतार भी सकते हो। और अगर आप इसमें पानी देना चाहो, रस्से वाली सब्ज़ी बनाना चाहो, चावल के साथ खाना चाहो, रोटी के साथ खाना चाहो, जैसा खाना चाहो आप इसको पानी देके बना सकते हो। नहीं तो आप सूखी ऐसे निकाल सकते हो, रोटी के साथ खाने के लिए काफ़ी टेस्टी लगेगी। और मसाले की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि सबके घर में सबका टेस्ट अलग अलग होता है। और मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया सब्ज़ी में, और बॉईल होने तक इसका वेट करेंगे, क्योंकि आलू तो पहले से हमारा सिझा हुआ था और गोभी भी बस हो ही गई है अब तो। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था, ठीक है, वो रेसिपी वगैरह तो शेयर किया था मैंने। एक चीज़ था जो शेयर करनी थी मुझे, मैंने जस्ट हर्ब से जो 600 रुपये की लिपस्टिक थी वो मैंने 300 में बाई की। और कैसे बाई की, मतलब अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब आप गूगल पे वगैरह करते हैं तो उसमें रिवार्ड के तौर पर जो होता है ना, वो कुछ कुछ बोनस या कुछ अमाउंट आपको रिफ़ंड मिलता है, या कुछ कूपन मिलता है रिफ़ंड।
तो क्या होता है कि कभी कभी हम कहीं भी गूगल पे पेमेंट करते हैं तो हमें एज अ रिवॉर्ड कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ बोनस मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं। होती है जाके पीछे से वीडियो देख रही है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बस कैशबैक पे ही ध्यान देते हैं। तो क्या हुआ था, मैंने गूगल पे से एक बार इलेक्ट्रिक बिल पे किया था, तो उसके बाद मुझे रिवॉर्ड में जैसे ही जस्ट हाइव का मुझे मिला कि 600 के, हाँ बेटा 600 की लिपस्टिक आपको 300 में मिल जाएगी। तो मैंने देखा, अरे वाह। तो अक्सर लोग क्या होते हैं, वो कूपन्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, कभी वो काम के ही हो जाते हैं, कभी मामा अर्थ के कूपन, कभी किसी चीज़ के कूपन मिल जाते हैं। तो वो मैंने लिपस्टिक लिया जस्ट हर था, मैं आगे दिखाऊंगी, और इसमें मुझे मेरा फ़ायदा हो गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब आप लोग इग्नोर मत किया कीजिए ऐसे कूपन्स वगैरह को। मतलब जब भी आप गूगल पे करते हो, कुछ रिवॉर्ड आता है और कैशबैक नहीं मिलता तो हम जस्ट बैक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कैशबैक के अलावा भी आपको कूपन्स वगैरह वहाँ मिल जाते हैं जो बहुत ही काम के होते हैं। और मुझे मेरा कूपन तो मिलता है मिलता है, मेरे भाई भी अगर कुछ पेमेंट वगैरह करता है छोटा वाला तो उसको भी जो कूपन मिलता है, लाइक कार्तिक, मतलब कार्तिक भी को भी जो कूपन मिलता है वो मुझे भेज देता है, क्योंकि वो जानता है कि दीदी शॉपिंग वगैरह करती रहती है, तो इस वजह से वो मुझे कूपन सेंड करता है। तो ये मुझे मेरा खुद का इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने के बाद मिला था। और इस टाइप की लिपस्टिक जो है बहुत ही हर्बल और ये होती है, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। इस लिपस्टिक से आपको कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह, लिप ब्लैक ये सब नहीं होता है। तो जस्ट हाइव की लिपस्टिक एक बार ट्राई कीजिएगा, और ये मिनी माइक्रो लिपस्टिक है जो आप ट्रेवल फ्रेंडली है, कहीं भी ले जा सकते हो। तो यही जानकारी देनी थी मुझे बेसिकली, है ना पीयू? और पीयू यहाँ मुझे देख के हंस रही है, हा। और पीयू की तबीयत अभी बहुत ख़राब थी, तो बीच में मैं ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही थी रेगुलर, क्योंकि ये जब बच्चे का तबीयत ख़राब होता है तो दिमाग है वैसे भी इधर उधर रहता है। तो अब हम लोग उतने भी क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न नहीं हुए हैं कि बच्ची की तबीयत ख़राब हो और हम मोबाइल लेके ब्लॉग बनाते रहें, वैसा नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान इसी की तरफ था, और काफ़ी वीक हो गई है ये। हाँ, बेटा। तो यही सब था आज के ब्लॉग में, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आज का आलू गोभी का रेसिपी। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपको, तो ज़रूर एक नज़र अपने रिवॉर्ड पे रखिएगा, गूगल पे के रिवॉर्ड पे या फ़ोन पे के रिवॉर्ड पे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। तो ये है जस्ट हाइव का मिनी माइक्रो लिपस्टिक सेट, जो कि इतने छोटे से डिब्बे में मुझे रिसीव हुआ था। काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है इनकी और मुझे काफ़ी पसंद आई है, मैं डिटेल आपको आगे दूंगी। और ये बैग मुझे इतना पसंद आया था, लेकिन पीहू की वजह से मैंने इसको निकाल के अलग डब्बे में रखा। और ये देखो आप, जस्ट लाइक पर्स का लुक दे रही है, और इसमें ओरिजिनल प्राइस लिखा हुआ है जो है 575 रुपीज़। आपको 3 साल की वैलिडिटी मिल जा रही है यहाँ पे, 3 साल के अंदर अंदर आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो चलिए इसके डिटेल के बारे में देखते हैं। तो ये है वो 16 शेड का लिपस्टिक, जिसको मिनी माइक्रो लिपस्टिक बोलते हैं, और काफ़ी अच्छा है, ट्रेवल फ्रेंडली है, छुटकू सा है, काफ़ी क्यूट लगता है। और ये किसी भी तरीके से केमिकल से फ्री है, पेट्रोकेमिकल से फ्री है, जो कि आपके लिप को ब्लैक बनाती है उससे फ्री है। इसमें घी यूज़ किया गया है, सेसमे ऑयल यूज़ किया गया है, एलमंड यूज़ किया गया है, जो कि आपके लिप को नरिश करेगा। कोई भी पैराबेन नहीं है, केमिकल फ्री है, तो जस्ट आपके लिप का ये ख्याल रखेगा, मॉइस्चराइज करेगा। और मुझे लगता है कि अब हमें लिपस्टिक भी हर्बली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लिपस्टिकों में काफ़ी ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं, तभी तो वो बहुत टाइम तक टिके रहते हैं, उनको टिकाने के लिए काफ़ी चीज़ें की जाती हैं। तो इन सारे लिपस्टिक पे उनका शेड नंबर लिखा हुआ है छोटा छोटा सा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मुझे ये डील बहुत सस्ते में मिल गई, इसलिए मैंने कहा कि आप अपने गूगल पे पर ज़रूर नज़र रखिएगा, और आपको भी ये फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है अगर आप अपने गूगल पे पर ध्यान रख सकते हो। तो